एक लगन होनी चाहिए बेटा। यस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं का गुणा, है ना बच्चों? हम लोगों ने गुणा सीखा था। अब इसी गुणा पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हाँ, करेंगे, फिर से लेकिन रिपीट करना, हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर। रिपीट ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये आपको करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? दरअसल आप याद करो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा सीखा था, है ना? गुणा सीखा था हम लोगों ने, और वही गुणा यहाँ पे आपको करना है। तो इसीलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन में ऑन करने ही वाला हूँ। तब तक सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है? और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ क्या इसमें करना क्या है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप सारे बच्चों को। तो लिखा क्या है? तो जो लिखा है कि किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, है ना? सर दिखाई नहीं दे रहा फोन में। दिखाई नहीं दे रहा है? बाकी लोग बताएंगे क्या आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस ठीक। सर। तो जिस बच्चे को अभी को दिखाई नहीं दे रहा था, आप क्लास को, है ना बेटा, क्लास को रीज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? हमको भी दिख रहा है सर। ठीक है। तो सवाल क्या है, देखो 324 बच्चे हैं एक क्लास में और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, है ना बेटा? तो कुल किताबों की संख्या बतानी है, यानी कि इधर देखो ध्यान से, एक क्लास चल रही है ना, एक क्लास चल रही है, और इस क्लास में बच्चों, है ना, इस क्लास में, इस प्रकार से, इस क्लास में तो कुल कितने बच्चे हैं बेटा इस वाली क्लास में, ठीक है? टोटल में 324 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताब है। तो बताना है आप सभी को कि कुल किताबों की संख्या कितनी है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे। अब मैंने आप क्वेश्चन समझा दिया कि करना कैसे है, क्या है। अब इसके बाद आप प्रयास करिए, इसके बाद आप प्रयास करिए और इसका उत्तर देने का कोशिश करिए बच्चों। सारे बच्चे प्रयास करिए। बच्चों आप लोग आंसर मत बताइए, ठीक है? आंसर आपको बताना ही है तो पोल में आंसर करिए। सर ए आंसर है। बेटा देखो, अभी को मैंने बोला था ना, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा मुझे। आप कभी भी आंसर मत बताइए इस तरीके से, माइक को ऑन करके या फिर कैमरा ऑन करके भी आंसर मत दिखाइए। अगर आपको आंसर बताना ही है या फिर आंसर दिखाना ही है, सर डी आंसर है। जब पोल सेक्शन बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों, जब पोल सेक्शन बंद हो जाता है तब तो आप आंसर बताइए या फिर आंसर दिखाइए, ठीक है? ऐसे करना है। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, कोई बच्चा पोल के वक्त, है ना, पोल के वक्त आंसर नहीं बताएगा। आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी लोग बताएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है? लास्ट के 5 सेकेंड, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों? लास्ट के 5 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बच्चों? बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों।
ठीक है, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। आप इसका आंसर कर सकते हैं जो चैट, ठीक है, चैट में इसका आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एक क्लास है उसमें 324 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो कुल किताबों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गुणा करना पड़ेगा। ना किसी लो बच्चे का कुछ डाउट है क्या? से रिपीट करना। किसी बच्चे का कुछ डाउट है? चलो अब ध्यान से देखो बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अब मैं इसको सिखा देता हूँ। अच्छा रिपीट कर दो, मैं ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने ये कहा कि जो क्लास में 324 बच्चे हैं ना बच्चों, प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो अगर आपको कुल किताबों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, हाँ उसका मैं रिपीट कर दिया, तो अगर आपको कुल किताबों की संख्या निकालनी है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा करिए, तो 5 चौके होता है 20, है ना? आप खुद गुणा करके देख लो या फिर आप पहाड़ा पढ़ के देख लो, तो 4 25 20 होता है, तो 20 को आप क्या लिखोगे बेटा? जो इकाई के अंक पे होगा वही तो लिख पाओगे, आप खुद बताओ। इकाई के अंक पे शून्य, तो आप शून्य लिखेंगे, और ये जो दहाई का अंक है यानी कि जो 2 है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो बेटा हो जाएगा आपका हासिल यानी कि कैरी। यहाँ पे 0 लिख दीजिए और जो हासिल है मैं उसको ग्रीन कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 5 का गुणा 2 में कर दूंगा, 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना होता है बेटा? 12 होता है, तो 12 का 2 लिख देंगे और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, 15 और 1 हासिल यानी कि 16। इसी प्रकार 4 एकम 4, 1 अंक छोड़ना पड़ता है आप सभी जानते हैं, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 0 हो जाएगा, ऐड करना होता है सभी लोग जानते हैं, 0 0 में ऐड करना 0 ही होगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4806 यानी कि ए वाला पार्ट सही है। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? मुस्कान आप भी बताइए बेटा, क्या आपको ये समझ में आया? यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सर, बाकी लोग भी बताएंगे। यस बच्चों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, आप माइक मत ऑन करिए, और अगर आपको आंसर देना है तो आप चैट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है बच्चों, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का जब आप गुणा 0 से कराते हैं या किसी दूसरी, है ना, पूर्ण संख्या से कराते हैं, तो जो उत्तर आता है बच्चों तो अपने आप में या तो एक पूर्ण संख्या होता है या तो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है, दोनों बातें, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का आप गुणा कराते हैं ना बच्चों, तो जो आंसर आता है वो भी अपने आप में क्या होता है? एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है। क्या आप सभी को ये समझ में आया? क्या आप सभी को ये समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गई हैं सारी चीजें तो आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है? पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए,
जब आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे तब जाके कि उसका उत्तर करिएगा होल सेक्शन में, ठीक है बेटा, तब जाके इसका उत्तर करिएगा होल सेक्शन में। सारे बच्चे इसको प्रयास करिए, सिंपली आपको गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सिंपली आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो करेक्ट आंसर आ रहा होगा उसको दिए गए चारों विकल्पों में से चूज करिए, ठीक है बेटा, दिए गए विकल्पों में से चूज करिए। थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा, अदरवाइज आपका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पवन यादव के नाम से जो भी बच्चा है, इस तरीके से माइक मत ऑन करो, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर करूंगा बेटा आपको, ठीक है। यस, बाकी लोग भी करिए बच्चों, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, ठीक है। और अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, लास्ट की 5 सेकेंड आओ। किसी का कुछ डाउट है क्या? सविता देवी के नाम से जो बच्ची है, कुछ डाउट है आपका? नो सर। ठीक है बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, पोल को हम बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को हमने ऑन कर दिया। ओके ओके ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो बेसिकली आपको गुणा करना है 513 को 136 से। तो सबसे पहले आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, छत्रिक होता है 18, है ना बच्चों, छत्रिक 18 होता है। इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 लिख देंगे, और जो एक है बच्चों, एक ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 और एक हासिल तक, 6 और 1 क्या होता है 7। फिर देखो 6 का गुणा 5 में कराओगे तो 6 25 30, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मैं ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया था इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरिटी बनी रहे कि ये चीजें हुई कैसे। ओके अब क्या है बच्चों, अब 3 का गुणा करना पड़ेगा इस वाले 3 के साथ में, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, 3 3 9 9 लिख दीजिए, 3 1 3 3 लिख दीजिए, 5 3 15 15 लिख दीजिए बच्चों, है ना। अब 1 का गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा 3 से, तो 1 3 3 एक स्थान छोड़ना पड़ेगा, आप सभी लोग जानते हैं, तो 1 3 3 1 1 1 और 1 5 5 ऐसे बच्चों, ये आप ऐड करोगे, ऐड करो तो 8, ये 9 और 7 बेटा 16 होता है, 16 को 6 लिखोगे और हासिल 1 आएगा, कैरी 1 आएगा, ठीक है, 3 और 3 6 और 6 और 1 हासिल 7, 5 और 1 6 6 और 3 9, ठीक है, 5 और 1 6 यानी कि 69,768 आएगा, इट मीन्स बी वाला उत्तर बच्चों सही होगा। ठीक है सर, मेरा आंसर सही है ना? हाँ, एक बार बस बी टाइप करना है, बार बार बी नहीं टाइप करना है, इसी प्रकार से एक बार सी टाइप करना है, बार बार सी नहीं टाइप करना है, जो भी इस तरीके से कर रहे हैं ऐसा मत करिए, है ना बच्चों। और खुशी पूछ रही है कि सर जो 5:30 बजे वाली होती है क्लास, 8:30 बजे वाली क्लास होती है, वो सेम होती है? हाँ बेटा, वो सेम ही होती है ना, लगभग लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत आगे और पीछे होता रहता है, ठीक है।
सबको क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है, सेम ही चीज होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बस। यस सर हम दोनों चलो। क्लास नहीं ले सकते? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? दोनों सर हम दोनों क्लास भी ले सकते हैं एक साथ? क्लास ले सकते हो आप, बिल्कुल। अगर आप चाहो तो आप 5:30 वाली भी ले सकते हो, आप चाहो तो 8:30 भी वाला भी ले सकते हो। देखो बेटा, अगर मान लेते हैं, देखो ऐसा इसलिए किया गया है, मान लेते हैं जिस बच्चे के पास 5:30 बजे टाइम नहीं है, है ना, वो कहीं और बिजी है, या फिर उनके पास फोन नहीं है 5:30 बजे तक, तो ये क्लास कर सकते हैं कितने बजे, 8:30। या फिर अगर आपको दोनों ही क्लासेस लेने में आनंद आ रहा है, दोनों में ही कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप चाहो तो दोनों ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता ओके सर, है। यस, संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, ये दोबारा वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, आप बार बार वाई मत टाइप करो, अदरवाइज अब की बार में क्लास से आपको बाहर कर। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास एक सवाल है, और इस सवाल का आप सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में। बच्चों जल्दी से जाइए पोल में, आंसर करिएगा। आप सभी लोग जानते हैं पोल में आंसर कैसे करना है। ठीक है, जो नहीं जानते मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट सपोज ये आपका फोन है, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये आपका फोन है, तो फोन में यहाँ पे बेटा 3 डॉट बना होगा ऐसे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे वैसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा बच्चों इस प्रकार से, एक्टिविटीज, है ना बच्चों, ऐसे लिखा होगा एक्टिविटीज। इस वाले बटन को आपको क्लिक करना है, जो ही आप क्लिक करोगे तो वही लिखा रहेगा पोल्स, और लिखा रहेगा वन एक्टिव। ठीक है, अब इस पे क्लिक करिए तो एक बॉक्स बन करके आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 22 है, तो ऐसे 22 लिखा रहेगा, और इसके 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी। अब जो भी उत्तर आपको सही लग रहा हो उसको चूज करके, है ना बेटा, यहाँ पे सेलेक्ट करके इस बटन को, जो कि वोट का बटन है, इसको आप क्या कर देंगे, दबा देंगे, तो आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। ऐसे करते हैं आंसर, सारे बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, जो लास्ट के 5 सेकेंड और है, लास्ट के 5 सेकेंड और बस। ठीक है बच्चों, हम फोन को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा वाला पार्ट होगा, ए बी सी या डी? ओके, अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका जो उत्तर होगा वो डी वाला पार्ट होगा। यस, सही बोल रहे हैं सारे बच्चे, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, जो भी डी वाले पार्ट को टिक किए। तो बेटा करना क्या है, आपको इस 31 का गुणा करना है सिर्फ और सिर्फ एक से, तो 31 एकम 31, और ये 3 जीरो है, तो एज इट इज उतार दीजिए। तो कौन सा वाला उत्तर सही होगा बेटा, 31,000 यानी कि डी वाला पार्ट सही है। यस, ठीक है। चलो, मैं संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वार्निंग दिया था कि बार बार वाई क्लास टाइप टाइप नहीं करना है। तो संजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। चलिए, तो हमने बाहर कर दिया इनको, और आप सभी जान गए होंगे क्यों मैंने बाहर किया है ना बच्चों? यस, तो बार बार नहीं टाइप करना होता है, इन्होंने बार बार टाइप किया था और इसीलिए मैंने क्लास से बाहर कर। ठीक, चलो बच्चों, अब हेडिंग लगाइए डिवीजन यानी कि भाग। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए।
सारे बच्चे हेडिंग लगाइए डिवीजन यानी कि भाग। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके, तो बच्चों अब हम लोग भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ जरूरी बातें करेंगे उसके बारे में, है कि ये है क्या। देखो बच्चे, आप सभी लोग ध्यान से, मान लेते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है 38 और आप 2 से भाग देना चाह रहे हो इस, ठीक है, तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा? भाग देने पर बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, कोई बता पाएगा? ममता के नाम से एक बच्ची है, उन्होंने उत्तर कर दिया है और बिल्कुल सही उत्तर किया है, परफेक्ट उत्तर है बेटा, कुछ भी गलत नहीं है ना, कुछ भी गलत नहीं है। सारे बच्चे देखेंगे, होता ये है कि आप ये जो 3 है इसको भाग करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो जो 3 है वो 2 से क्या है बताओ? जो 3 है वो 2 से क्या है? बड़ा है, आप आसानी से भाग कर सकते हैं, है ना, आप आसानी से भाग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आप करेंगे कैसे, देखिए आप ऐसे करेंगे, 2 1 2 ऐसे, 3 में से 2 आपको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 3 में से 2 जाता तो क्या आता है? 1 आता है बच्चों, ठीक है, और ये जो 8 है, ये जो 8 है उसको एज इट इज आपको उतारना पड़ेगा। अब 2 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना या फिर है से कि रिपीट करना। यस, या तो 18 कट जाए या तो 18 से कम आए, हमें कभी भी इसका पहाड़ा ऐसे नहीं पढ़ना है कि इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है बच्चों, हमें उससे मैक्सिमम नहीं लाना है, या तो उसके इक्वल लाना है या तो उसके लेस देन लाना है। तो 2 9s कितना होता है बताइए सारे बच्चे, बताइए 2 9s कितना होता है? 18, अठारह ठीक है, यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो, ये आप अठारह पे डिपेंड करता है। मान लो मैंने कट कर दिया, ये भी ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 लिखना चाहते हो तो ये भी ठीक है ना। चलो तो बेटा देखो, इसका रिजल्ट आपने देखा कि 19 आएगा, है ना, 19 आएगा, जो कि ये भागफल कहलाएगा। हाँ, 2 9 18 होता है, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 19 आएगा, ठीक है, और इस रिजल्ट का बेटा नाम है भागफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं, ठीक है, ये जो 0 आप देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं शेषफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है बच्चों, ये जो आप 38 देख पा रहे हो इसको बोलते हैं बच्चों भाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो आप 2 देख पा रहे हो इसको बोलते हैं भाजक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर। हेलो सर, हाँ बताइए, सर जी आपने ये भागफल सर इसका इंग्लिश में लिख दो सर जी, नाम बगल में साइड में। हाँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सारे का लिख देता हूँ मैं, ठीक जी सर, है, थैंक यू सारे सर। का, ठीक है बेटा, बताइए क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस ठीक है, किसी सर बच्चे को कुछ भी डाउट तो नहीं है? ठीक नो है, सर, सभी स्क्रीनशॉट ले लेने दो। हाँ, बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, तो आप सभी ने देखा कि क्या होता है भागफल, क्या होता है भाज्य, क्या होता है शेषफल, और क्या होता है भाजक। ये बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस बेसिक से एग्जाम्पल से ही आपने 4 चीजों को सीख लिया। कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं? भागफल, भाज्य, शेषफल और भाजक, ठीक है बेटा। आप इसके रिजल्ट पे मत देखो कि 19 आया तो बस काम खत्म, नहीं, उन चारों वर्ड्स को सीखो, वो चारों वर्ड्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका रिजल्ट, है ना, भाग तो आप देना सीख ही जाओगे,
लेकिन वो जो चार वर्ड्स है ना वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है भाजक, क्या होता है भागफल, लेकिन आप उन सब बच्चों में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और आप अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। क्या सारे बच्चे सीख रहे हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चे सीख रहे हैं तो वाई टाइप करेंगे, नहीं सीख पा रहे हैं तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ का रिजल्ट नहीं मायने करता है, यहाँ का आपको मैटर करता था वो टर्म्स, वो जो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आप बता ही दोगे बाद में। चलो अब रिजल्ट बताना ही है आप सभी को, इसका रिजल्ट बताना है। ठीक है बेटा, इसको भाग दीजिए सारे बच्चे और इसका आंसर करिए कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, एक बार आप प्रयास ये करिए। कौन सेक्शन में देना है? अच्छा, नहीं, इसको आपको देना है चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, आप एक बार ही प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सर जी बोल के बता सकता हूँ? ठीक नहीं अभी पोल नहीं चलेगा बेटा, अभी आपको चैट सेक्शन में ही आंसर करना है। ठीक जी सर। है, यस, चलिए चैट में आंसर करिए, कितना आएगा इसका आंसर। अच्छा बच्चों एक चीज, अच्छा एक चीज, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया ना, आप सभी बच्चे दशमलव में आंसर मत निकालिए। जो भी बच्चे दशमलव में आंसर निकाल रहे हैं, प्लीज आप दशमलव में आंसर मत निकालिए। अगर कुछ शेषफल बच रहा है तो उसको बचने दीजिए, कोई इशू नहीं है बेटा। अगर शेषफल शून्य नहीं है, कुछ नंबर आ रहा है तो उसको बचने दीजिए, दशमलव में मत निकालिए। ठीक है, यस, ममता शर्मा के नाम से एक बच्ची है, इनका आंसर परफेक्ट है ना, ममता शर्मा के नाम से जो भी बच्ची है परफेक्ट आंसर है। बच्चों मैं बोल रहा हूँ ना कि दशमलव में मत निकालिए, अभी के लिए दशमलव के लिए मत निकालिए, अभी सिर्फ और सिर्फ है ना, एक अगर शेषफल बच रहा हो तो शेषफल बचा दीजिए, कोई इशू नहीं है। यस, हाँ, खुशी के नाम से जो बच्ची है करेक्ट उत्तर है आपका बेटा, खुशी के नाम से जो भी बच्ची है करेक्ट आंसर है, 71 ही आएगा। सारे बच्चे भी मतलब सही आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर कर रहे हैं, आप लोग का भी सही है, बट आप लोग डेसिमल में ना बता करके, है ना। हाँ, अगर दशमलव में ना निकाला जाए तो इसका उत्तर 71 होगा, बिल्कुल सही बात है नीरज, बिल्कुल सही है आपका। मुस्कान, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जी चलिए अब सर। मैं, यस, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। है ना, देखो पहले आप एक अंक को भाग देने की कोशिश करोगे, आप भाग नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वो 5 है जो कि 8 से छोटा है, 8 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, आप 2 अंकों को लोगे, है ना बच्चों, आप 2 अंकों को लोगे तब जाके बात बनेगा। यानी 57 को भाग देना है 8 से, तो 8 सते 56। अब मैंने आपको सिखाया था कि आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है ना, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, या तो 71, सॉरी सॉरी, या तो 57 पूरी तरीके से कट जाए या फिर उससे थोड़ा सा कम हो, है ना, ये चीज। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, या तो कर दीजिए इसको, 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये एक बार और जा सकता है, तो 8 एकम 8, 8 7 15, तो बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 71 आएगा, है ना, ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों अगर मैं पूछूं कि बताइए सवाल में शेषफल कितना है, शेषफल कितना है बच्चों, हाँ सात है ना, तो बच्चों शेषफल होगा 7। ठीक है, शेषफल होगा 7।
और बच्चों अगर मैं बात करूं भाजक की, भाजक का मान कितना होगा बच्चों? ममता शर्मा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बेटा आपका, धीरज परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है, खुशी परफेक्ट। भाजक का मान बच्चों होगा 8। अच्छा बच्चों भाज्य का मान क्या होगा? भाज्य का मान क्या होगा? 575। वेरी नाइस है ना बच्चों, वेरी नाइस। तो आप चाहो तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देखो इस वाले पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लो। देखो 71 को क्या बोला गया है? भागफल। 575 को क्या बोला गया है? भाज्य। 7 को क्या बोला गया है? शेषफल। और 8 को क्या बोला गया है? भाजक। क्या सारे बच्चों ने यस स्क्रीनशॉट ले लिया? सर। यस सर। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करना क्या है बेटा? ठीक है, करना क्या है? देखिए 2436 को भाग देना है 12 से। इस वाले सवाल को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करिएगा, अदरवाइज आपका उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा। सर इसे डेसिमल में करना है। अच्छा नहीं, इसको भी दशमलव में नहीं करना है, इसको भी आप लोग दशमलव में मत करिएगा अभी भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, दशमलव में मत करिएगा। जी तस्वीर दिखाएं। दिखा दीजिए, दिखा एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल नीरज परफेक्ट है ना। बाकी लोग भी अगर अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं बच्चों, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं। अगर आप कॉपी चेक करवाना चाहते हैं प्लीज चेक करा लीजिए, कैमरा ऑन कर। हाँ मुस्कान आपका सही है बेटा, मुस्कान सही है। ठीक हेलो है, सर। हाँ बताइए। सर जी, जिस दिन मैम ने क्लास ली थी ना, उससे पहले आपने होमवर्क दिया था, वो दिखाऊं क्या? जी ठीक है, उसको आप दिखाइएगा लेकिन क्लास के बाद। ओके तो सर, थैंक यू सर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 24 को भाग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 को तो भाग दिया नहीं जा सकता है बच्चों। तो 12 दूनी कितना होता है? सारे बच्चे जानते होंगे 12 दूनी 24 होता है। आप यहाँ पे 24 लिख दो, फिर माइनस कर दो, ठीक 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे भी आपको 0 उतारना पड़ेगा इस 36 को लिखने से पहले। अब आप इस 36 को भाग दे रहे हो तो 12 की लाइन कितना होता है? 36 होता है। तो बेटा इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 203। ठीक है, 203। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? सर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। बिल्कुल ले लीजिए बेटा। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। सर हमारे फोन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग करने का प्रयास करिए।
जल्दी से सारे बच्चे आंसर करिए। ओके ओके, चलिए अब देखिए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो बोला जा रहा कि एक कक्षा में 25 पेन है और प्रत्येक बच्चों में पांच पांच पेन बांटना है, सॉरी पांच बच्चों में बांटना है ना, पांच बच्चों में बांटना। बच्चे आप माइक मत ऑन करो, तो कैसे बांटोगे आप, भाग दे दीजिए बराबर बराबर बांटने के लिए। तो पांच बच्चे 25, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? तो बच्चों प्रत्येक बच्चे को पांच पेन मिलेगा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख देना कि प्रत्येक बच्चे को तो पांच पांच पेन मिलेगा। बेटा ये पांच पांच आप जोड़ करके 10 मत कर देना, पांच पांच का मतलब है सिर्फ एक बच्चे को पांच पेन, बस प्रत्येक बच्चे को पांच पेन मिलेगा। क्या सारे बच्चों की बात आ गई समझ में? ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई भी है ना, आप सारी चीजें सीख चुके हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला ये जा रहा है बच्चों कि अगर आप दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि जो उनका आंसर आए वो भी एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही हो। अब लेट सपोज 10 को भाग दे रहे हैं 3 से, 10 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब बच्चों आप भाग दोगे ना तो आएगा उत्तर 3.333333। यानी कि जो 3.333 आ रहा है ये तो आपका प्राकृतिक नहीं है ना, और ना ही एक पूर्ण है। तो वही आपको सिखाया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो उत्तर हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण ही आए, है ना, कुछ और भी आ सकता है। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात क्लियर है? ओके बच्चों, इस वाले पेज का भी आप एक स्क्रीन शॉट ले लो, है ना? ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में। बताओ बच्चों कितने बच्चे जानते हैं सम संख्याओं के बारे में? सम संख्याओं के बारे में कितने बच्चे जानते हैं सर बताइए? इवन नंबर के बारे में, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? इवन नंबर, हाँ इवन नंबर, वेरी गुड, इवन नंबर, इवन और ऑड। यस। आप सभी लोग सर जी जानते दो हैं, से विभाजित हो जाते हैं वो संख्या। देखिए जो संख्याएं दो से, है ना, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना बच्चों, विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को बच्चों बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है? उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। क्या आप सभी को समझ में आया? ठीक है, अब बच्चों ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि किसी भी संख्या के, है ना, अगर इकाई के अंक की बात करें, है ना, इकाई के अंक की बात करें तो अगर वह 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, अगर इसमें से कोई भी इकाई के अंक पे है तो बेटा वह जो संख्या होगी वह होगी आपकी सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लिखा हुआ है, मान लेते हैं बेटा लिखा हुआ है 46, देखो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, तो बेटा इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे है ना, इसलिए ये क्या होगा, एक सम संख्या होगा। लेकिन बच्चों अगर लिखा गया है 43, तो क्या 3 इस वाले नियम का पार्ट है? क्या 3 इस वाले नियम का पार्ट है? आप लोग खुद बताइए, नहीं ना, नहीं है।
इसीलिए जो 43 होगा बच्चों वह सम संख्या नहीं होगी। क्या सबको क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर लिखा गया कि वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात हो रही है विषम संख्याओं की, तो जो बच्चों दो से विभाजित नहीं होती है ना, जो भी संख्या दो से विभाजित नहीं होती है उन संख्याओं को ही बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सॉरी सॉरी, विषम, उन संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। क्या आप सभी को ये क्लियर है? ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहना ना, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते रहना आप सभी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो जो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो एक ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ खुद से विभाजित हो, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है बच्चों, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से विभाजित हो, ठीक है, खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित, ठीक है बच्चों, एक से विभाजित हो, उस संख्या को ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, है ना बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, आप दो को ले लीजिए, तो दो को सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर काट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद दो और दूसरा एक। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि दो को काट सके। इसी प्रकार से आप तीन को ले लीजिए, तीन को भी काटना है तो सिर्फ तीन से ही काटा जा सकता है या फिर एक से कट किया जा सकता है। इसी प्रकार आप पांच को ले लीजिए, सात को ले लीजिए, 11 को ले लीजिए, है ना, 13 को ले लीजिए, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन बच्चों क्या 9 एक अभाज्य संख्या होगा? बताइए बच्चों, क्या 9 एक अभाज्य संख्या होगा? बताइए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। 9 को तो 9 काट देगा, 9 को एक भी काट देगा, लेकिन बेटा 9 को 3 भी तो काटता है। आप ये भी तो ध्यान से देखो, है कि नहीं बच्चों? बताइए, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन लेकिन बच्चों विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके, तो बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप हमें कितना बार बताइए। हाँ, ममता के नाम से एक बच्ची है, कुछ पूछना है क्या आपको बेटा? ममता के नाम से कुछ पूछना है क्या आपको? ठीक नो है, तो बेटा ये हैंड जो है ना उसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया। वरा चलो बच्चों ध्यान से देखो आप, सबसे अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी, बच्चों आप लोगों ने क्या स्क्रीनशॉट लिया था? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यस हाँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो सर, हो बैलेंस गया हो गया, सर। टाइम नहीं लिया तो जल्दी से लीजिए, ताकि हम इसको इरेज करें, ताकि हम इसे इरेज करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सर बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी दो, है ना।
दो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्याएं, तो बच्चों अगर आपको भाज्य संख्याएं समझना है तो बस जी इतना दो सब। कैसे होगी फिर से बताना। सर हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? जी दो कैसे हो गया भाज्य संख्या फिर से बताना। अच्छा, ठीक है मैं बता देता हूँ। अब ध्यान से देखो कि जो दो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटता है और एक से कटता है, इसके अलावा कोई भी संख्या बताओ जो कि दो को कट कर दे। क्या कोई ऐसी संख्या बनी है आज तक? नहीं सर नहीं। जी। इसका मतलब ये अभाज्य के परिभाषा को, जो अभाज्य का परिभाषा है उसको फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए दो को बोलते हैं अभाज्य संख्या। कुछ भी ना क्या आपको बात समझ में आ गई? अब सर जी मेरा डाउट है। सर नीरज जी क्या? एक आवाज सर नहीं जी नहीं नहीं एक सर, आवाज नहीं हो सकती फिर है। बात, सारे बच्चे माइक बंद करिए। तो नीरज आपने कहा सर एक के बारे में क्या बोला जा सकता है, तो बेटा एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह अभाज्य संख्या की परिभाषा को पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता? देखो एक का मतलब ये है कि एक जो है वो खुद से, यानी कि एक माइक से उठा है, और एक ऑन करना माइक मत ऑन करिए बच्चों, है। हाँ बच्चों माइक मत ऑन करिए, ठीक है? चलिए, तो हमने ये माइक कहा ऑन कि नहीं करना। सुनिए, मैंने ये कहा कि जो एक है बच्चों वह खुद से, यानी कि खुद एक है, और एक वो तो है ही है, तो ये उतना जो परफेक्ट होना चाहिए परिभाषा उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। नीरज आपको समझ में आया बेटा? जी सर चलो बहुत अच्छी बात। जी सर थैंक यू सर। यस सर अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, चलो आपने पूछा भी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अब बताओ। तो जो एक है वो तो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, लेकिन उसके पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? भाज्य संख्याओं के बारे में सीखना पड़ेगा। चलिए मैं सिखाता हूँ आप सभी को। देखो बच्चों, ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य अभाज्य नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य नहीं होती हैं उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? ऐसी संख्याएं, सर एक बार रिपीट करना। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं, हमने कहा ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य ना हो, है ना, दुनिया में वह संख्या पकड़ लो आप जो कि अभाज्य है ही नहीं, तो अगर वह अभाज्य नहीं है ना बच्चों, तो वह होती है आपकी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, तब उसको और अच्छे से आप समझ पाओगे। चार को देख लो, क्या चार एक अभाज्य संख्या है? आप लोग खुद बताओ, बताओ बेटा, नहीं है ना? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोलेंगे सर चार अभाज्य नहीं है। तो जब चार अभाज्य नहीं है तो पक्की बात है चार क्या होगा? चार बच्चों होगा भाज्य संख्या। ममता के नाम से जो बच्ची है, क्या आपको क्लियर हुआ? यस सर। बाकी लोग भी बताएंगे, क्या आप सभी को क्लियर हुआ? यस सर ओके okay. यस तो बच्चों जानते हो आप सभी लोग, एक मजेदार बात बताएं आप सभी को, जो अभाज्य सॉरी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत ही होती है चार से। तो सबसे पहला भाज्य संख्या है चार, फिर नंबर आता है छह का, फिर नंबर आता है बेटा आठ का, फिर नंबर आता है नौ का, फिर नंबर आता है 12 का, फिर 14 का, और ऐसे बढ़ते चले जाते। सबसे छोटी भाज्य संख्या, दस भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा सॉरी बेटा मैं भूल गया, सॉरी 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 मैं भूल गया, ठीक है। चलो तो सबसे बढ़िया। भाज्य संख्या,
कौन सी है बताइए? ओके सर, चार। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक सर, है, तो अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि बताइए एक क्या है, एक क्या भाज्य संख्या होगी बच्चों? क्या एक भाज्य संख्या होगी? कर्णवाच्य संख्या है। हाँ, तो एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, दोनों बातें हैं बच्चों। ठीक है, दोनों बातें हैं। जो एक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो एक है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सारे बच्चे इस पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ले लिया सर। है, और बेटा इस वाले पेज का भी एक स्क्रीन शॉट ले लो। देखो यहाँ पे लिखा गया कि जो चार है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ले ली सर। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्लास एक हफ्ते बोलता हूँ और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बट उसके पहले आप होमवर्क नोट करिए, कोई बच्चा अभी जाएगा नहीं, सारे बच्चे होमवर्क नोट करिए।